हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर और हम बात कर रहे थे इतिहास। इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चाएं अभी तक कर ली थी, हमने धर्म सुधार आंदोलनों की बात कर ली थी, प्रमुख धर्मों की बात कर ली थी। अब इन धर्मों के बाद कुछ हमने हालांकि उन धर्मों में पर्टिकुलर बात करी हुई थी इन सारी चीजों की, बावजूद इसके हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो ये कि कुछ विशिष्ट तथ्य जो है धर्मों से रिलेटेड, उनको हम यहाँ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विशिष्ट स्मरणीय तथ्य है ये सारे के सारे, मतलब तीन जो धर्म है, या फिर हम बात कर ले यहाँ पे जैन धर्म की बात करें या फिर हम यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात करें, है ना। सो इन दोनों धर्मों से रिलेटेड हम कुछ विशिष्ट तथ्यों की बात करने वाले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारे दर्शन आए हैं सामने। दर्शन मतलब होता है विचारधारा, आइडियोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आइडियोलॉजीज जो विकसित हुई हैं या फिर जो ज्यादा प्रचलित हुई हैं, उनमें छह प्रकार के दर्शनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। सो इन सारे दर्शन और इनके प्रतिपादकों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन मतलब यहाँ पे न्याय से संबंधित। अब आप कहोगे न्याय मतलब वो कानून वाला न्याय, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या कानून वाला न्याय नहीं है। यहाँ न्याय जो है तर्क से रिलेटेड होता है, तर्क से रिलेटेड न्याय। और ये कानून से पहले से ही न्याय चलता आ रहा है, मतलब शुरुआत से प्रारंभिक इतिहास से ही न्याय चलता आ रहा है। गौतम को इसका प्रवर्तक माना, और ये गौतम बुद्ध वाले गौतम नहीं है, याद रखिएगा। मूल ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने न्याय सूत्र लिखा हुआ है गौतम ने, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वैशेषिक की। वैशेषिक में विशेषताओं पर फोकस किया जाता है, कड़ाद इसके प्रवर्तक रहे हैं। और मूल ग्रंथ की बात करें तो कड़ाद का जिसको कहा जाता है वैशेषिका सूत्र। नेक्स्ट सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिल मुनि ने इसको स्टार्ट किया हुआ था। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, आपने नाम सुना होगा, इनिशियली जो पहले गुरु हुआ कर रहे थे रुद्रक रामपुत्र के पहले, है ना। सो वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुआ करते थे, सांख्य सूत्र इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे योग दर्शन। ये तो मुझे लगता है भारतीय, हर भारतीय व्यक्ति आजकल बहुत अच्छे से पहचानता है। 21 जून को योग दिवस भी इसीलिए मनाया जाने लग गया है, योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ऐसा कुछ, ऐसा ही है बिल्कुल, योग दर्शन, ठीक है। पतंजलि के द्वारा इसको लाया गया है, और ये वो पतंजलि है जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी हुआ करते थे, साथ ही साथ मित्र हुआ करते थे। दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं इन्होंने, और यहाँ पे पतंजलि कृत योग सूत्र जो है इसका मूल ग्रंथ मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीमांसा की। तो मीमांसाओं को दो भागों में बांटा, एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को सिंपल मीमांसा हम बोल देते हैं, और उत्तर मीमांसा मतलब बाद की। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो है जैमिनी है, और पूर्व मीमांसा सूत्र इसका मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट जो है आखिरी उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म है, और वेदांत सूत्र इसका मूल ग्रंथ मान लिया जाता है। तो ये तो बात हुई छह दर्शनों की, षड दर्शन इनको कहा जाता है, और इनके प्रवर्तकों की बात कर ली, मूल ग्रंथ भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कारों की। ये ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जो है वो बड़ा गड़बड़ मामला कर दिए थे। कब कर दिए थे? 600 BC के आसपास, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हुआ क्या था कि जैसे ही अथर्ववेद में कर्मकांड इत्यादि को बहुत ज्यादा फोकस किया गया, तो बहुत सारे लोग जो है, और उस समय के जो लोग रह रहे थे वो चटकने लग गए, और इसके कारण क्या हुआ कि भाई नए नए धर्मों का यहाँ पे सृजन होता है, विकास होता है। और इन्हीं में हम बात करें संस्कारों। संस्कार मतलब एक प्रकार से सुचिता कहलाती है, आपको मैं बता दूं, सुचिता पवित्रता की हम बात कर रहे हैं, और इन पवित्रताओं को ही संस्कार कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कि मन में जो विकार है या जो शरीर के विकार है, उन सारे विकारों से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि देखो एट द एंड जो ब्राह्मण धर्म है, या फिर हम बात करें जिसको अब हम हिंदू धर्म बोलने लग गए हैं, सो उसमें ये माना जाता है, उसमें क्या मैक्सिमम सारे धर्मों में ही बात करी जाती है मोक्ष प्राप्ति की। मतलब कुल मिला के अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की बात करी जाती है। सो ये जो है इसके लिए कर्मकांड, कर्मकांड मतलब कर्मों का बहुत ज्यादा माना जाता है कि भाई अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। सो इन कर्मों के कारण, तो हम चाहते हैं कि उन कर्मों के कारण भी शरीर की शुद्धि कर लें। सो शुद्धि या सुचिता जो है वो संस्कार कहलाती है। अब इनिशियली बात करें तो लगभग 25 प्रकार के क्या हुआ करते थे,
उससे पहले तो 40 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे, फिर 40 से 25 आए, 25 से फिर फाइनली 16 संस्कारों पर रुक गई है गाड़ी। तो 16 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये हम आपको बता दें कि ये जो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये जो तीन है ये अंतः गर्भ संस्कार कहलाते हैं। अंतागर्भ संस्कार मतलब गर्भ के अंदर ही ये संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे पहले गर्भाधान हो जाता है ना, फिर पुंशवन हो जाता है और सीमांतोन्नयन, ये तीनों के तीनों। फिर इसके बाद के जो है ये बहिर्गर्भ संस्कार कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें जातकर्म आ जाता है। जातकर्म मतलब वो सारा, जैसे जन्म होता है वो उसके बाद वाला, नामकरण होगा 10 दिन के अंदर नाम हो जाएगा। निष्क्रमण मतलब पहली बार बाहर निकाला जाता है बच्चे को, 4-6 महीने की एज में दिखाते हैं उसको, सूरज के दर्शन कराते हैं, चांद के दर्शन कराते हैं, सारी ये सारी चीजें कराते हैं ताकि उस व्यक्ति को, मतलब बच्चे को एक्चुअली क्या है कि अब बाहरी जीवन से थोड़ा सा जोड़ने की, अब वो थोड़ा सा रम गया है, 4-6 महीने हो चुके, तो वो सारी चीज होती है। फिर अन्न प्राशन होता है 6 महीने में। पहले तो अपन 6 महीने तक बच्चे को हम ऐसा बोलते हैं ना, पेय पदार्थ ही सेवन कराते हैं जनरली, है ना, और उसमें भी माँ का दूध ही उत्तम आहार माना जाता है। उसके बाद अन्न की सेवन की बात करी जाती है, तो 6 महीने की उम्र के बाद अन्न प्राशन संस्कार होता था, जिसमें बच्चे को अन्न वगैरह थोड़ा सा खिलाया जाता था, हो सकता है खिचड़ी, दलिया, इस टाइप की कोई चीज, तो ये अन्न प्राशन संस्कार है। फिर कर्णवेद, कर्णवेद मतलब कान छेदन, कर्ण छेदन जिसको हम बोलते हैं, कान छेदने से बहुत अच्छे स्वभाव, मतलब बहुत सारे उसके फायदे भी बताए गए हैं कि भाई वो डायरेक्ट मस्तिष्क से जोड़ता है, आपकी सुनने की पावर अच्छी होती है, और अच्छा तो दिखता ही आभूषण पहनोगे कान में, तो पहले के लोग वो पहने रहते थे, कुंडल पहने रहते थे, है ना। सो कर्णवेद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका क्या है, संस्कार हो जाता था। चूड़ागर्भ मतलब हो जाता था वो मुंडन संस्कार जिसको बोल दिया जाता है, 1 से 3 साल के बीच में कभी भी करा सकते थे, अलग अलग टर्म्स होते थे। उपनयन संस्कार ये होता था आपका शुद्धि से रिलेटेड, पढ़ाई में अब जब जा रहे हो तो वो उपनयन धारण करना होता था, जनेऊ जिसको बोला जाता है, ठीक है, सो वो उपनयन संस्कार हो गया। वेदारंभ, वेदारंभ मतलब यहाँ से आपकी शिक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा पहले से स्टार्ट नहीं हुई है, उपनयन के पहले से ही आपको मैं बता दूं कि घर में छोटी छोटी, जैसे बच्चों को 2-3 साल का बच्चा हो जाता तो उसको हम वर्णमाला वगैरह सिखाते हैं, आ आ वगैरह, का खा, ए बी सी डी, ये सारा सिखाना घर पे ही चालू हो जाता है। उसके बाद जब वो पढ़ने लग जाता है, अक्षर मिलाने लग जाता है सब कुछ, तो फिर वेदारंभ वाला ये 6 साल से स्टार्ट होता था, कई जगह 8 साल बताया, 8 से 16 साल तक का यहाँ अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग व्यवस्था हुआ करती थी। वेदारंभ के बाद फिर वेद पढ़ने के बाद पढ़ाई खत्म तो केशांत होगा, जैसे ही आप स्नातक कर लेते थे, पढ़ाई पूरी हो गई, तो पूरी होने के बाद भाई आप क्या करेंगे, फिर से एक बार मुंडन करवाएंगे, केस दान करेंगे, वो केस शांत करेंगे, ऐसा बोल दिया जाता था। फिर उसके बाद आप नहा धोगे, तो ये समावर्तन मतलब उसके बाद आपको विधि विधान के साथ उसमें स्नान करवा के अब आपको डिग्री प्रदान की जाएगी कि भैया बधाई हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, आपकी शिक्षा समाप्त हुई, अब आप ब्रह्मचर्य जीवन को त्याग सकते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन में विद्या आरंभ हो चुकी है, फिर विवाह संस्कार आता था, विवाह संस्कार मतलब गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करने वाले हैं, और फाइनली जो है वो शादी के बाद बचता क्या है जीवन में, फिर अंत्येष्टि वाला ही होता है आखिरी संस्कार, जब मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार जिसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार से 16 संस्कारों का पूरा वर्णन क्या है कि आपके ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं जो हमने आपको यहाँ बता दी। 16 संस्कार के बाद हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। देखो भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था हुआ करती थी जो हम आपको बता रहे थे कि यार एक ऑन एन एवरेज जो है लाइफ की अगर हम बात करें तो एवरेज लाइफ जो मानी जाती थी उस समय तक 100 वर्षों की मानी जाती थी। आजकल तो ऑन एन एवरेज 70 साल के आसपास का थोड़ा सा हो गया है जीवन, लेकिन पहले 100 साल मान ली जाती थी। और 100 साल को इतने क्या किया है कि जीवन के पड़ाव के रूप है, पड़ाव को आश्रम बोल दिया, जो पड़ाव पड़ते हैं ना अलग अलग, कि भाई पहले बच्चे हो गए, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर निकल लिए, है ना। सो ये जो पड़ाव है उनको यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ब्राह्मण मान्यताओं के अनुसार 4 व्यवस्थाओं में आश्रम व्यवस्था जिसको बोल दिया जाता है संकलित किया गया। यहाँ पे प्रथम वर्ष से 25 वर्ष मतलब एक प्रकार से 0 से 25 हम बोल रहे हैं, जन्म के बाद से 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा वगैरह आप कर लो, पढ़ाई भी कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। उस समय ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इजी हो जाता था, फोन ऑन होता नहीं था और ये सब फालतू के क्या है जंजाल तो रहते नहीं थे उस समय। अब नहीं हो पाता ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, 25 वर्ष तक। 25 के बाद फिर भाई देखो 25 तक पढ़ाई भी चलती रहती है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपका एज लगभग 25 के आसपास कुछ ऐसा
होगा। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम होता था, 25 वर्ष के बाद फिर आप शादी ब्याह करो, शादी ब्याह के बाद अपना परिवार बढ़ाओ, जो करना है वो करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 50 साल के हो गए ना, यहाँ राजा रंक कोई भी हो, मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, इधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ अवस्था के बाद 50 साल आपकी ऊपर हो गई तो आप भैया निकल लो कहाँ पे, जंगल में निकल लो, वन में प्रस्थान कर जाओ, जंगल चले जाओ, इसलिए उसको वानप्रस्थ आश्रम बोल दिया जाता था। 50 से 75 वर्ष की आयु आपको जंगलों में व्यतीत करनी है, ताकि आप अब देखो यार आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और फिर अपने जीवन भी जी लिया, जो गृहस्थ अवस्था है उसमें परिवार सब कुछ देख लिया, अब बचा क्या है जीवन में, आप खुद को तो आप शांति देंगे ना, तो अब भैया एकांतवास कर जाएं। एकांतवास मतलब बेसिकली क्या होता था कि वन में जाएं और वन में आप खुद से ही धीरे धीरे सब कुछ करें। राजा है तो आपको वहां पे कोई आपके न दासी आ रहे हैं न नौकर चौकर, कोई नहीं मिलेगा, आपको अकेले जाना है। हाँ, आपकी पत्नी अगर चाहे इच्छा रखती है आपके साथ जाना तो वो जा सकती है, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन चली जाती थी पत्नी तो भाई पति परमेश्वर है तो पीछे पीछे जाने का ही। ठीक है, सो वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष का ये जो समय है, आप मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है, अब वो जंगल में 25 वर्ष रह रहा है, अब जंगल में रह रहा है तो जंगल के हिसाब से उस व्यक्ति को सारी जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। उसको अब यहाँ पे कोई खिलाने वाला नहीं है, उसका कोई नौकर चाकर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ वो अब राजा नहीं है, अब वो जंगल में चला गया, सब बराबर हैं, और यहाँ आपको जंगल में जीवन यापन करना है तो आपको हर चीज जानकारी होनी चाहिए कि जंगलों में कहाँ क्या मिलेगा, कैसे खेती बाड़ी करनी है, खाने वाले फल कौन से हैं, ना खाने वाले फल कौन से। मान लो आपको यही नहीं पता कि कच्चा फल खा लिया आपने, पका फल खाया नहीं, आपको कच्चा पका ही नहीं पता है, कच्चा खाया पेट खराब हुआ, पेट खराब हुआ तो आप जा रहे हो तो जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो, अब जड़ी बूटी के बगल में जहर भी होता है तो भैया आप जड़ी बूटी की जगह जहर खा लिया, जहर मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा जो और अच्छा ना हो के बुराई कर दे आपको, तो फिर भाई ऐसी कंडीशन में क्या है, भारतीय जड़ी बूटी विज्ञान जो है वो दुनिया भर में प्रचलित क्यों हुआ, इसी कारण तो हुआ कि लोग बाग जाते बहुत थे, आते कम थे, आते मतलब 75 वर्ष तक जीवित कम हो पाते थे जो समझदार थे वो सारा। तो भाई जड़ी बूटी विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से समझ में आया है, जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी इत्यादि जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती थी। फिर फाइनली 75 ईयर के बाद अब जीवन में वैसे भी कुछ बचा तो है ही नहीं, है ना, सो क्या करोगे आप खुद ही, जब आप जंगल में रह चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं देख चुके हैं तो इन व्यवस्थाओं के बाद आपको लगता था कि अब भैया जीवन में धर्म कर्म कर ले खुद ही, वो ज्यादा बढ़िया है। सो खुद की एक छोटी सी कुटिया डाली, और कुटिया डाली तो अपना काम कर रहे हैं, बाद में वहां पर कोई बच्चे अगर आ रहे हैं पढ़ने के लिए आप शिक्षा इच्छा के लिए, तो आप गुरुकुल परंपरा आप भी स्टार्ट कर सकते हो, संन्यास धारण करके, या तो खुद में भगवान में आत्मा में लीन हो जाओ, या फिर दूसरों का यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाने उड़ाने इत्यादि का काम कर सकते हो। तो ये फिर बस 100 वर्ष के आसपास आपका जीवन लीला ही समाप्त हो गई, तो समस्या ही क्या था। ठीक है, तो ये भैया आश्रम व्यवस्था बताई गई थी। इसके बाद विवाह भी हुआ करते थे, हमने उस पर डिस्कस किया था बकायदा। देखो विवाह भैया यहाँ पे अगर बात करें ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 8 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 में से 2 प्रकार हैं, मतलब 4 प्रकार, एक जो 4 हैं उनको शुभ विवाह कहा जाता है और 4 को अशुभ विवाह कहा जाता है, मतलब कुछ 4 अच्छे हैं और 4 बुरे विवाह माने जाते हैं। तो शुभ और अशुभ विवाह 4 हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हमने डिस्कस किया तो था, फिर से बता दे रहा हूँ। ब्रह्म विवाह सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता है, इसमें एक योग्य वर जो है, मतलब जो व्यक्ति है जिससे शादी दूल्हा योग्य हो, उसको आमंत्रित करके विधि विधान पूर्वक शादी कर देते थे बेटी की, कौन, घर वाले, तो भैया सबसे बढ़िया। फिर दूसरा आता देव विवाह। देव विवाह मतलब क्या था कि देव देवता मानते थे ना, ब्राह्मण देवता और सारा, तो यज्ञ हवन उस समय की मेन काम तो वही होता था और कुछ नहीं होता, हवन करेंगे। सो हवन करने आएंगे कौन, पुरोहित। अब पुरोहित अच्छे लग गए कि भैया उनको दान दक्षिणा करनी है, सो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। ठीक है, तो यज्ञकर्ता पुरोहित को आमंत्रित कर विधान से उसको कन्यादान कर देना, ये देव विवाह कहलाता था। फिर आर्ष विवाह बोलते, कई जगहों पे आर्थ विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषि से क्या कर लेते थे, बैल और गाय ले ली और ऋषि के साथ कन्या की शादी करा दी माता पिता ने, तो वो आर्ष विवाह कहलाता था। लेकिन इसमें लेन देन होता था आर्थिक रूप से, मतलब अर्थ उस समय पैसा तो चलता नहीं था, तो वो ही बार्टर सिस्टम चलता था ना, है ना। सो बार्टर सिस्टम के हिसाब से बैल या गाय क्या करी उनने, दी और आपने बेटी की शादी कर ली, इस प्रकार से आर्ष विवाह। ये भी ठीक मान लिया जाता था, मतलब बहुत उच्च कोटि का तो नहीं था लेकिन शुभ विवाहों की श्रेणी में आता था। चौथा प्रजापत्य विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह में क्या है, वर की विधि पूर्वक पूजा करी और कन्या के साथ उसको सम्मान से शादी करवा दी। और शादी क्यों कराई, क्योंकि भाई अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो वंश वृद्धि इत्यादि का काम भी
गृहस्थ जीवन में यही चलता था कि भैया अपनी वंश वृद्धि करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसी कंडीशन में वंश वृद्धि के लिए शादी कर देना क्या है, प्रजापत्य विवाह हो गया। तो ये चारों विवाह अच्छे विवाह की श्रेणी में माने जाते थे। इसके बाद बात करें तो जो 5 से लेके 8 है, जैसे गंधर्व विवाह, आज का आपने सुना होगा ना लव मैरिज, वो लव मैरिज इधर गंधर्व विवाह कहलाता था। इसमें युवक युवती का भाग कर प्रेम विवाह कर लेना, जिसमें माता पिता की अनुमति काहे को लोगे, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ पा रहा ना, वही चीज है कि घर वाले काहे को फिर उसमें इन्वॉल्व होंगे, घर वाले चाह ही नहीं रहे थे, तभी तो भागना पड़ा, अगर चाहते तो भागते थोड़ी, घर पे बैठा के शादी करवा देते। तो ये जो गंधर्व विवाह है उसमें बहुत सारे आपको मैं बता दूं कि उदाहरण मिलते हैं इतिहास में और हर चीज में। तो पहले ये प्रचलित था लेकिन अशुभ विवाह कहलाता था, क्योंकि घर वालों की मर्जी से तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर लोग कहने लगे कि शादी घर वालों को करना है कि लड़के लड़की को करनी, उनको खुश रहना ज्यादा जरूरी, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन अशुभ विवाह की श्रेणी में माना जाता है। राजा महाराजा इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे, गंधर्व विवाह, है ना, लड़की भगा ले जाना, राजकुमारी भगा ले जाना, तो ये सारी चीजें होती थी। असुर विवाह की अगर हम बात करें तो असुर विवाह जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ कन्या के पिता को दहेज देकर विवाह कर, ठीक है, ले नहीं रहे, दे रहे हैं दहेज, कौन लड़के वाले दे रहे हैं कि भैया आपको चाहिए नहीं व्यवस्था, पैसे ले लो शादी कर दो, ठीक है। सो पैसे लेके मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक प्रकार से अब उस चीज का मोल लगा रहे हो, किसका, कन्या का मोल लगा रहे हो, उसको आपने कुछ पैसा दिया और पैसे के बदले आपने कन्या ली, खरीद ली एक प्रकार से, तो वो अच्छा तो है नहीं, असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह भी है, राक्षस विवाह में क्या है कि कन्या को अपहरण कर लेना, अपहरण करके जबरदस्ती शादी विवाह कर लेना, ये राक्षस विवाह कहलाता था। और फाइनली पिशाच विवाह जो है, ये और सबसे निकृष्ट जाति का विवाह कहलाता था। इसमें कोई सोती हुई कन्या हो गई या फिर जो अपने मन में मन से ठीक नहीं है, मतलब एक प्रकार से ऐसा बोल देते हैं कि जो विक्षिप्त कन्याएं हैं वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उनके साथ क्या है संभोग करके जबरदस्ती शादी करना इस टाइप से, ये क्या है पिशाच विवाह कहलाता था। तो ये तो सबसे निकृष्ट जाति का विवाह कहलाता था। तो चार विवाह जो है ऊपर के वो शुभ विवाह हैं, चार अशुभ विवाह, ऐसे टोटल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिल जाता है हमको कहाँ पे, कहाँ पे, ब्राह्मण धर्मों में। फिर भैया बात करेंगे पंच महायज्ञों की, तो पंच महायज्ञ जो है उनमें एक तो सबसे पहले 5 हैं पंच माने 5 ब्रह्म यज्ञ जिसको कहा जाता है। इसमें क्या है भैया, ब्रह्म यज्ञ में वेद अध्ययन और आध्यात्मिक सत्कर्मों से विद्वान ऋषियों को सम्मान देना, ये क्या है ब्रह्म यज्ञ कहलाता। क्या होता था मैं आपको बता दूं, ये जो यज्ञ परंपरा है, ये 5 यज्ञ तो मेन ही हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। यज्ञों को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी कि हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है और ये 5 यज्ञ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही तो समस्या का वजह, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होने लग गया था, है ना। अब देखो क्या है, ब्रह्म यज्ञ जो है अच्छा यज्ञ, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन ये किसके लिए है, ये वेद अध्ययन और आध्यात्मिक सत्कर्मों से क्या विद्वान ऋषियों का सम्मान करना। अब इसमें मैक्सिमम क्या है कि आप दान दक्षिणा बराबर किसको दोगे, ऋषियों को दोगे, तो खर्चा लग रहा है, एक तो यज्ञ करने का लगेगा सब अलग और दान देने का लगेगा सो अलग। अब जिसके पास है उसको कोई समस्या नहीं, लेकिन ये आप कंपलसरी अगर कर दोगे तो समस्या है कि गरीब व्यक्ति को भी करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत की बात हो गई ना, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तभी तो लोग फिर थोड़ा सा इसके अगेंस्ट होना चालू हो गए। पितृ यज्ञ की बात करें तो ये पितृ यज्ञ पिताजी या फिर दादाजी अपने पूर्वजों के लिए होता है, तर्पण श्राद्ध इत्यादि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए ये पितृ यज्ञ करवाया जाता था। देव यज्ञ हो गया भैया, ये आहुति बलि के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए किया जाता था। भूत यज्ञ है, ये विभिन्न दिशाओं में पशु पक्षियों को दाना रखना और अनिष्टकारी शक्तियों से बचने के लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाला। नृयज्ञ, नृयज्ञ जो होता था ये घर में आने वाले अतिथियों का सत्कार, अतिथि देवो भव, यही तो है नृयज्ञ कि भैया अतिथि आ रहा, अतिथि कौन आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता ही लोग आ जाते थे, तो उनके लिए क्या करना, अतिथि सत्कार करना, उनकी परंपरागत रूप से क्या है कि उनको भोजन इत्यादि धन धान्य वगैरह को प्रोवाइड कराना, और पहले उसके लिए भी पूजा पाठ करना होता था। तो ये 5 प्रकार के यज्ञों ने क्या कर दिया भाई, जिनके पास है उन्हें समस्या नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है और मैक्सिमम जनता के पास नहीं हुआ करता था, वैश्य और शूद्र जो है ये तो भैया बहुत ही खराब स्थिति में हो रहे थे, है ना। और क्षत्रियों को भी ये लगता था कि भाई हम राजकाज हम कर रहे हैं लेकिन करना है इनकी पूजा पाठ कर रही है तो भी समस्या है। तो केवल ब्राह्मणों के अलावा बाकी के जो तीनों और वर्ण है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं इन कर्म कांडों के कारण, और विरोध स्वरूप नए नए धर्म
यहाँ पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न होना चालू हो जाता है। चलिए पांच महायज्ञ के बाद तीन ऋण की हम बात करेंगे। ऋण मतलब है कर्ज लिया हुआ है आपने तीन लोगों से, और ये कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ये ऋण है। और उसके मुक्ति के उपाय आपने पितृ, पहले चलो ठीक है, ऋषि ऋण लिया हुआ है, ऋषियों से ऋण लिया है, उसको कैसे चुकाओगे भैया? यज्ञ अनुष्ठान करो। ऋषियों से ऋण मतलब कैसा ऋण भाई? ऋषि आप लोगों के लिए क्या करते हैं, ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी ब्राह्मण इत्यादि, ये क्या कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए, इतना पढ़ पढ़ा के आपको बताते हैं, तो वो भी उनसे आप क्या कर्जा ही तो ले रहे हो, है ना? और वो कर्जा ले रहे हो तो वो चुकाओ, कैसे चुकाओ? अनुष्ठान करके। अनुष्ठान में क्या है, दान करोगे ना आप उनको, तो उनका बराबर हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहला ऋण उन्होंने क्या लिखा, ऋषि ऋण लिखा हुआ। दूसरा देव ऋण लिखा हुआ है। देव ऋण क्या है, देवताओं के लिए भैया, है ना? तो देवताओं के लिए वेद अध्ययन इत्यादि करोगे तो देव ऋण चुक जाएगा। और आखिरी क्या है, पितृ ऋण जिसको कहा जाता है, पितृ ऋण पिताजी द्वारा, सो विधि विधान द्वारा विवाह इत्यादि करने के बाद वंश वृद्धि करो, आप संतान पैदा करो तो पिताजी का ऋण चुक जाएगा। कैसे, आप पिता बन गए तो आप पिता बन गए तो उनका ऋण भी चुक गया। उनका काम ये है कि भैया अपने वंश वृद्धि करना एक मेन उसका काम है, तो भैया दादाजी है, दादाजी ने पुत्र उत्पन्न किया, संतान उत्पन्न करी तो पिताजी हुए, पिताजी ने भी पुत्र या संतान उत्पन्न करे तो आप हुए, अब आप भी शादी ब्याह करके पुत्र उत्पन्न करो तो आपने कर्जा किसका, पिताजी का चुका दिया, पिताजी ने तो अपने दादाजी का चुका दिया पुत्र पैदा करके, अब आप भी पैदा करो, तो यहाँ पे पुत्र 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 ये बड़ी समस्या का विषय हो गया। क्यों? क्योंकि पुत्री होगी तो फिर मतलब महिलाओं की इच्छा किसी को होती नहीं थी, पुत्र प्राप्ति की सब कामना करने लग गए और उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने लग गए, बेटे 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 लड़के लड़के, लड़कों को प्रधानता हो गई, लड़कियों की तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि उससे फायदा ही नहीं है ना, वो तो पराया धन है। ये मान्यता भी किसने बनाई, इधर ही बन रही है, ठीक है? तो ये एक समस्या का विषय हो गया था, तीन ऋण हो गए। चलिए इसके बाद चार युग तो आपने सभी ने सुने ही होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है? अब यहां देखेंगे, ये सत मतलब एक, द्वापर मतलब दो, त्रेता मतलब तीन, कलयुग चार। तो होना तो द्वापर पहले चाहिए था, त्रेता बाद में, लेकिन वो कुछ कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा उल्टा हो गया, तो त्रेता द्वापर ऐसा हो गया, ठीक है भैया? चार युग हैं ये, सतयुग सबसे अच्छा युग माना जाता है और कलयुग सबसे बुरा युग माना जाता है, ठीक है? बीच में त्रेता और द्वापर युग आ जाता है, तो भाई सारी चीजें आपको पता ही है। ये तो पंचायतन देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये पांच ऐसे देवता हैं जिनको पूजा जाता है। कौन कौन से? सूर्य देव है, शिव जी है, शक्ति है, विष्णु हैं और गणेश जी हैं, ठीक है? तो ये भैया एक प्रकार से हमने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, गणपत्य धर्म देख लिया था, सूर्य देवता तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ही है। तो ये पांच ऐसे देवता हैं जिनको तो सुबह से शाम तक पूजते रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? चलिए शैव धर्म के प्रमुख मंदिर और उनके निर्माताओं की भी बात कर लेते हैं। शैव धर्म में जो मंदिर है, एक तो आपने नाम सुना होगा बृहदीश्वर शिव मंदिर, नाम सुना बृहदीश्वर शिव मंदिर, ये तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है। और भैया यहाँ पे चोल शासक हैं कौन? नरेश। चोल नरेश कौन है? राजराज प्रथम। ये बृहदीश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि बृहदीश्वर मंदिर कहाँ बना है, किसने बनवाया, तो तंजौर में बना है और राजराज प्रथम ने इसको बनवाया। दूसरा है कैलाश मंदिर, ये एलोरा के कैलाश मंदिर को आपने देखा होगा, कैलाश का मंदिर है, क्या ही मंदिर बना है, वाह। तो भैया राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सोमनाथ का जो मंदिर है काठियावाड़ गुजरात में, भैया चालुक्य नरेश भीम ने इसको फिर से रिस्टैब्लिश करवा दिया था, ठीक है? इसके अलावा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की अगर हम बात करें, तो भैया 24 तीर्थंकर हमने जैन धर्म में पढ़े हुए थे, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, ये चार ये पहले है ना, ऋषभ देव पहले नंबर के माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आदिनाथ भी इनको बोला जाता है। फिर सुमति, पदम, सुपाश और चंद्रप्रभ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभ जी, ठीक है? चंद्रमा का इनका निशान होता है, चिन्ह होता है, ठीक है? सुविधि, इनको पुष्पदंत भी कहा जाता है, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ और बाशुकुज, फिर बिबलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आर्यनाथ, अरहनाथ भी बोल दिया जाता है, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, ठीक है? इसके अलावा फिर नमीनाथ,
नेमिनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी, है ना, वर्धमान जिनको कहा जाता है महावीर स्वामी। तो ये भैया 24 तीर्थंकर हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 23 24 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ जो 22 पे नंबर के हैं, अरिष्ट नेमी इनको कहा जाता है भैया। अरिष्ट नेमी जो है ये ऐसा बोला जाता है कि ये कृष्ण जी के चाचा के लड़के हुआ करते थे, छचेरे भाई हुआ करते थे, ठीक है। तो ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रमुखता से इनकी ज्यादा मान्यताएं हैं, इनके केस अलग अलग हैं, क्या क्या कारण हैं जिनके कारण इनको ज्यादा पूजा जाता है या इनको ज्यादा इतना फेम है या फिर ज्यादा माना जाता है, तो उसके अलग अलग रीजन है जैन धर्म में, तो कभी डिस्कस करेंगे उस चीज पे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन धर्म के त्रिरत्नों की। तीन रत्न है जैन धर्म में जो हमने देखा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा, मतलब होता है सम्यक का। तो दर्शन का मतलब हमें पता है आइडियोलॉजी, विचारधारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अच्छे विचार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान जो है वो अच्छाई में लगाना, और चरित्र मतलब करेक्टर जो है ढीला नहीं होना चाहिए, चारित्र आचरण अच्छा होना चाहिए, ये तीन रत्न माने जाते हैं। इसके अलावा पांच महाव्रतों की, पांच व्रतों की देखो हमने बात करी थी शायद, व्रत हो गए, महाव्रत हो गए, अणुव्रत हो गए, ये सभी की सभी चीज एक ही है, बस यहाँ पे जो आगे शब्द है जैसे महा है, अणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो वो लगा दिया जाता है बस, है ना। तो ये पांच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अचौर्य ये है ना, अस्तेय को अचौर्य बोला जाता है, अपरिग्रह यानी क्या होता है, सत्य तो पता ही है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह मतलब लालच नहीं करना, जोड़ के रखना नहीं चीजों को, ठीक है। अस्तेय कहलाता है अचौर्य, चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पहले इंक्लूड नहीं था, पार्श्वनाथ जी तक ये चार ही धर्म, चार ही व्रत हुआ करते थे, पांचवा इंक्लूड महावीर स्वामी ने करा ब्रह्मचर्य को, कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बेहतर है, ठीक है। सो ये पांच महाव्रत हो गए जैन धर्म के। इसके अलावा 18 पाप भी बताए हुए हैं, ठीक है। सो 18 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, मान, माया, क्रोध, लोभ, द्वेष, राग, दोषारोपण, चुगली करना, है ना, असंयम, कलह, भय, ये इत्यादि 18 पाप बताए हुए हैं, तो वो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चार सदस्य होते हैं जैन धर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, भिक्षु, भिक्षुणी, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं, ये उस ऋषित्व वाले यानी ऋषि गण जिनको कहा जाता है भिक्षु, भिक्षुणु, भिक्षुणी, ठीक है। और श्रावक, श्राविका, ये जो है ये जो आम लोग हैं, आम जनजीवन वाले लोग हैं, उसमें से थोड़े विशिष्ट लोग जो हैं ये कहलाते हैं जैन धर्म में श्रावक, श्राविका, ठीक है। बाकी तो फिर सिंपल से आ जाते हैं उसके बाद, जो भी मान्य फॉलो करने वाले सामान्य लोग हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गणधरों की। गणधर मतलब होता है कि यहाँ पे महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं प्रमुख, उनमें 12 गणधर माने जाते हैं जो प्रमुख शिष्य हैं। तो सबसे पहले अग्निभूति का नाम आता है, भावभूति का नाम आता है, इंद्रभूति का नाम आता है, और गौतम का नाम आता है। गौतम बुद्ध वाले गौतम नहीं, याद रखिएगा, है ना। गौतम गणधर हैं, ये गौतम स्वामी कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। प्रदाश, अलचमृत, मैदार्य, आर्याध्यक, मंडिक, सुधर्म, मौर्य पुत्र और अकंपी, ये सारे के सारे गणधर हुआ कर रहे थे, 12 गणधर जिनको कहा जाता है। इसके अलावा 7 तत्वों की विशेषता मानी गई है जैन धर्म में, कि भैया 7 ही तत्व होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक तो व्यक्ति होता है जीव, है ना, जीव, जिसकी आत्मा होती है वो जीव, और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आत्मा मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है जीवों में, इसीलिए किसी को भी मारने की मनाही है जैन धर्म में। अहिंसा, कि हर एक छोटे से छोटे चींटी की भी बात करें तो उसमें भी आत्मा है, इसलिए उसको नहीं मारना है अपने को, ठीक है। अजीब, अजीब मतलब जिसमें आत्मा नहीं है वो अजीब, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी मतलब अगर वृक्ष है तो उसमें आत्मा है, लेकिन उसको कट करके आपने
उससे गेट बना दिया, खिड़की बना दी, तो वो क्या है, अजीब हो गया। आश्रव मतलब होता है कर्म, कर्म बंधन जो है वो आना स्टार्ट होते, आश्रव कहलाते हैं और आगे रुक जाते हैं, बंध कहलाते हैं, बंधन बंध जाना, कर्मों का बंद हो जाता है। संबर मतलब हो जाता है यहाँ पे, अब संबर होता है कि कर्मों को रोक देना, कि नहीं भैया अब ऐसे कर्म करेंगे ही नहीं, कि नए कर्म आ जाए तो समस्या हो जाएगी। निर्जरा की बात करेंगे तो निर्जरा मतलब कर्मों को धीरे 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 खत्म करना चालू कर दिया और फाइनली हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा भाई, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हमने बात करी भी थी यहाँ पे। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने बताया था कि भैया ये दुनिया पीतल दी, ऐसा नहीं बोला था उनने, उनने ये कहा था कि दुनिया में कितना दुख है, तो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये दुख सबसे पहला इन्होंने सत्य बताया था, दुनिया आर्य सत्य, कटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता इस चीज को, मतलब ये कटु बात है, लेकिन दुनिया में दुख है, दुनिया दुख से भरी पड़ी है, और दुनिया में दुख जो भरा है उस दुख का समुदाय है, मतलब दुख का कुछ कारण है, और वो कारण क्या है, वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब लोभ लालच माया, ये तृष्णा है ना, और भैया इस तृष्णा को त्याग दो तो दुखों का निरोध हो जाएगा। लेकिन लोगों ने पूछा कि महाराज वो तो सही कह रहे हो आप, कि कैसे करें, यही तो होता नहीं है, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भैया दुख निरोधी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब उन्होंने कहा कि भैया अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है आपको, और उसके कारण क्या हो जाएगा, आठ प्रकार के मार्ग बताए, और जिसमें इन्होंने बेसिकली मध्यम निकाय मतलब मध्यम मार्ग की बात करी है, कि आप ना ज्यादा ना कम, बीच में काम करें मध्यम निकाय के हिसाब से। ठीक है, सो सम्यक दृष्टि, सम्यक खान पियान, है ना, ये सारी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक समाधि, सम्यक भक्ति, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं इसको करने के लिए। बुद्ध द्वारा जो दस शील बताए हुए हैं भैया, वो दस शीलों की बात करें तो अहिंसा, नशीले पदार्थों को सेवन ना करना, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद विस्तर का सेवन नहीं करना, नाच गाने से बचना, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे इनने दस सीलों के रूप में बताई हुई है। अष्टांगिक मार्ग हमने बात करी थी तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब फिर अगेन अच्छा ही है, और इधर न ज्यादा न कम है, दृष्टि मतलब आपकी नजर जो है, नजर मतलब विचारधारा की बात कर रहे हैं, संकल्प मतलब चीजों को आपको किस प्रकार से करना है, वाणी मतलब ऐसे वचन नहीं बोलना है जो परेशानी का सबब बने, कर्मों को भी यहाँ पे, कर्म मतलब आपके करने वाली चीजों को, ठीक है, अजीब, व्यायाम और स्मृति, समाधि, ये सभी आठ मार्ग हैं जिसको सम्यक रूप से आपको करना है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों की अगर हम बात करें, प्रमुख शिष्यों की, तो भैया यहाँ पुरुष शिष्य जो है, महिला शिष्य भी थी बाद में, महिलाओं को एंट्री दे दी गई थी संघ में, तो पुरुष शिष्यों में सारिपुत्र, मुद्गल्यायन, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, अनाथ पिंडक, सुनीति, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, जीवक और महाकश्यप, ये प्रमुख पुरुष शिष्य हुआ कर रहे थे किसके, गौतम बुद्ध के। शिष्याओं में हम बात करें तो प्रजापति गौतमी पहली जो इनकी पालक माँ हुआ करती थी, विशाखा, यशोधरा जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, क्षेमा, आम्रपाली ये नगरवधु हुआ करती थी वैशाली की, और नंदा, ठीक है, तो ये सारी की सारी शिष्याएं हुआ करती थी महात्मा बुद्ध की। अब बात करेंगे किसकी, सात बोधांगों की बात करी हुई है इन्होंने, बोध के अंग, बोधि के अंग मतलब ज्ञान के लिए, स्मृति, धर्म पर विजय, वीर्य, प्रीति, समाधि, प्रतब्धि और उपेक्षा, ये सभी के सभी क्या है, बोध अंग है सात। फाइनली महात्मा बुद्ध द्वारा पांच इंद्रियों के बारे में बताया, जो पांच इंद्रियां होती हैं, एक तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और
प्रज्ञा, ये पांच प्रकार की इंद्रियां हैं, इन पे ही तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और इसके अलावा बलों की भी बात इन्होंने करी है, तो एक तो श्रद्धा बल होता है, वीर बल होता है, स्मृति बल होता है, समाधि बल होता है और प्रज्ञा बल। इन्हीं पांच इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना बल कहलाता है बेसिकली, इन पे ही आपको सब करना है। तो भैया हमने इन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो विशिष्ट स्मरणीय तथ्य हुआ कर रहे थे। तो भाई इसके बाद हम बात करेंगे आगे की किसकी, मगध की बात तो करी थी हमने, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।